विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। प्रत्याशी गांव-गांव घूमकर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सविता महतो भी लगातार क्षेत्र में लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता प्रभात कुमार ने। ईचागढ़ विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी सविता महतो लगातार ईचागढ़ विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रही है और गांव-गांव पहुंच रही है। देखिए आप पीछे किस तरीके से गांव-गांव पहुंच रही है, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही है। महिलाओं का काफी संख्या देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाएं जो हैं अपने बीच अपने प्रत्याशियों को पाके कितनी खुश नजर आ रही है। और ये सुदूर दलमा पहाड़ का तराई है जहां ये गांव बसा हुआ है और राज्य सरकार की जो योजना है उसके आधार पर ये लोगों से फिर से एक बार मत करने के लिए और मुझे जिताने के लिए मांग कर रही हैं। देखिए किस तरीके से महिलाएं आज के डेट में, देखिए गांव में भी किस तरीके से महिलाएं हैं जो इनका तस्वीर ले रही हैं और काफ़ी संख्या में महिला पुरुष है, इनको समर्थन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। मैडम लगातार लगातार आप हर एक गाँव में पहुँच रही हैं, महिलाओं का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। जी आप सब तो साथ में घूम ही रहे हैं और मुझे महिलाएं के साथ साथ बुजुर्ग बोलिए, नौजवान बोलिए, सबका काफी लोग उत्साह से हमारे राज्य के हमारे मुख्यमंत्री सरकार के कामकाज के लिए और हमारे विधानसभा में जो काज हुआ है उनके ये से इतना खुश है। यहाँ के जनता जो हर जा रहे हैं पहुँच रहे हैं उसके पहले ही दूसरा गांव पूरा सभा खड़े होके एक जगह हुजूम का हुजूम निकल रहे हैं। लोगों का समर्थन इन्हें मिल रहा है और लोग भी इन्हें राज्य सरकार की जो कार्यकाज है उसके आधार पर वोट करने के लिए, विधायक जो वर्तमान में है प्रत्याशी है वो लोगों से अपील कर रही है। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, ईचागढ़। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।